सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे ताल झपताल के बारे में। दोस्तों मैंने आपके साथ अपने चैनल सोलफुल तबला पे बहुत सी वीडियो शेयर की है और आपने बहुत प्यार दिया है। आप सुनते हैं और कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं, जो कमी होती है वो भी बताते हैं और मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ तबले पे जो बजने वाले ताल हैं वो सभी तालों के या फिर कुछ ताल जो प्रचलित हैं जो आप बजाते हैं या कोई भी आप गायन वादन या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत करते हैं उसमें आपको बजाना हो, कभी भी कोई किसी ताल में गा रहा है बजा रहा है उसके साथ बजाने में आपको कभी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप लेसन तभी बजाएंगे जब पहले आप ठेका जानते हो और ठेके के जो भिन्न भिन्न भाग हैं जो आप ठेके को भरना जानते हो तभी आप साथ संगत के साथ ठेका बजा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जप ताल के बारे में। दोस्तों जप ताल 10 मात्र का ताल है। इस ताल की जो झोल है वो बहुत प्यारी है क्योंकि इस ताल को 4 भागों में बांटा गया है। इसके 3-2 और 3-2 के भाग हैं। इसके बोल हैं धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन ना। तो दोस्तों जो सबसे जरूरी पार्ट है जब आप किसी ताल पे भी पकड़ करते हैं या किसी ताल को अपने अंदर बसाना चाहते हैं, अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं, तो उसका सबसे सरल और सबसे जो अच्छा तरीका है वो है ताली खाली। आप ताली खाली से याद करेंगे तो आपको एक तो ठेका कभी नहीं भूलेगा और जो ठेके की झोल है और उसका खाली और भरा सम खाली सब आपको दिमाग में बैठा रहेगा। तो इसकी ताली क्या है? इसकी ताली है धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। यानी अगर आप 1-2-3 में गिन रहे हैं तो कैसे गिनेंगे? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-1-3-8 पे इसकी ताली है और 6 मात्रा जो है वो खाली है। उसको आप खाली छोड़ दें, वहां ताली ना लगाएं या फिर ताली ऐसे कर दें, वहां ताली नहीं बजाना है। धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बजेगा कैसे और पहले इसका सिंपल ठेका क्या है, फिर इसमें थोड़े थोड़े से हम जो फिलर लगाते हैं वो कैसे लगाएंगे जिससे ठेका अच्छा हो। इसको थोड़ा सा ठेके को जो श्रृंगार लाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा भरेंगे। तो आइए पहले इसके जो सिंपल बोल हैं बिल्कुल वो क्या है। धिन ना धिन धिन ना धिन बजाएंगे हम। धिन किनार पे नहीं, स्याही पे नहीं, सिर्फ जो तबले पे मैदान है मैदान के भीतर हम बिल्कुल धिन ना धिन धिन ना। धिन के साथ हम गे बजाएंगे मिडिल फिंगर के साथ। धिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना धिन ना प्रकार। थोड़ा सा इसको
जो बीच से खाली आने से पहले हम भर सकते हैं। दे ना दे दिन दिन दा दा दे ना दे दे ना दे ना दे दिन दिन दा दा दे ना दे दे ना। तो एक तो ये हो गया, उसके बाद थोड़ा सा और, जैसे उस ठेके को बहुत ही भर के बजाया जाता है और श्रृंगार के बजाया जाता है, वो हम कैसे, उसको पहले हम थोड़ा उसका बेसिक सीखेंगे। पहले भी जो पहले वीडियो थी उसमें मैं त्रिकड़ बताया था, थोड़ी सी ये दोनों उंगलियों को हम क्लैश करके बजाएंगे, एक साथ नहीं बजाएंगे, तिट भी नहीं बजाएंगे, तिट को ते कर, कर, इसको भी हम क्लैश करके थोड़ा सा बजाएंगे। जो इसका इसको ही थोड़ा सा और जो भरेंगे वो कैसे, छोटा सा जैसे हम तिहाई बोलते हैं, तिहाई के रूप में इसको ठेके को खत्म कर सकते हैं, दो बार जपताल में एक छोटी सी तिहाई कराऊंगा कि आप कभी भी थोड़ा सा ठेका बजाएं किसी के साथ, उसमें छोटी सी तिहाई। देखिए धादा धा भी जा सकते हैं और धान धान धा भी जा सकते हैं। ठेके भी निकालिए और ठेके को ज्यादा से ज्यादा सुंदर करके बजाइए। तो कोशिश करेंगे अगली वीडियो में, आगे वीडियो में भी ऐसे ही मैं ठेके आपको कराऊं। तो आप निकालिए, जब ठेके निकालेंगे और ठेके में लहसुन बजाएंगे तो फिर आपको भी मजा आएगा।
जो सुनने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।